प्रयागराज बसवार घाट पर पुलिस द्वारा बोट तोड़ने और लाठी चार्ज कर घायल करने के विरोध में बालू मजदूरों ने रैली निकाल पुलिस की दमनपूर्ण कार्यवाही का विरोध कर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले रैली निकाल कर विरोध किया। प्रयागराज प्रशासन द्वारा एक तरफ बालू मजदूरों पर खोजी कुत्ते और भारी पुलिस बल के साथ क्रूरता पूर्वक दमन कर रही है, दूसरी तरफ वार्ता की बात कर रही है, जबकि बालू मजदूर लगातार मांग करते चले आ रहे हैं कि 24 जून 2019 का नाव से खनन को प्रतिबंधित करने वाला आदेश वापस लो। 4 जनवरी के पुलिस लाठी चार्ज में 30 लोगों को घायल किया और जेसीबी मशीन से 16 नावें तोड़ी हैं। अचरज की बात है कि पुलिस कितनी निर्दयता पूर्वक मजदूरों पर आरोप लगा रही है कि बालू मजदूर स्वयं अपनी नावें तोड़ी हैं। पुलिस के इस हमलावर रवैये से मजदूरों ने नाराजगी जताते हुए बसवार गांव में गोलबंद होकर रैली निकालकर विरोध जताया। रैली के दौरान नारे लगाए, बोर्ड तोड़ने और मजदूरों पर लाठी चार्ज करने वाले अफसरों को सस्पेंड किया और जेल भेजो। पुलिस द्वारा तोड़ी गई नावों का मुआवजा दो। मजदूरों पर दर्ज फर्जी केस वापस लो। 24 जून 2019 इसका बोर्ड से खनन पर लगी रोक वापस लो आदि। यमुना नदी में ना बारा खनन चालू करो, चालू करो, चालू करो। यमुना नदी में ना बारा खनन चालू करो, चालू करो, चालू करो। बिजली का बिल 2020 को रद्द करो, करो। यमुना नदी का ना बारा खनन चालू करो, चालू करो, चालू करो। सभी चून बाजार उस कानून को रद्द करो, रद्द करो, सभी चून बाजार कानून को रद्द करो। के पास यहाँ से फिर वापस चले गए। सबसे बेहतर बात यह है कि औरतों से इंजरेज मर्द हो गए। कितनी बार हमारे भाषण करने वाले बताते हैं कि क्या भाई आप लोग यहाँ आ जाइए, इनको बहुत बड़ी शर्म लगती है, बैठने की जगह खड़े हो जाते हैं, 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में कहीं कैसे